जिसको अल्लाह हदायत दे और जिसको इस्लाम की तरफ रागिब करे, जिसका दिल इस मज़हब की तरफ मोड़ दिया जाए, इसे फिर कोई रोक नहीं सकता कि वो इस मज़हब में शामिल ना हो। 2050 तक एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम इस दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा, जो कि इस वक्त ईसाइत है। अब अमेरिकी बॉक्सर एंड्रयू टेट ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, इनका नाम अब क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। साबिक अमेरिकी बॉक्सर एंड्रयू टेट ने इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया है। एंड्रयू टेट की नमाज पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे एथलीट और एमएम फाइटर टीम खान ने शेयर किया। वीडियो में इन्हें नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है। एंड्रयू की जेरे गर्दिश पोस्ट में कुरान की एक आयत भी अंग्रेजी में शेयर की गई है। दूसरी जानिब एंड्रयू के इस्लाम कबूल करने के हवाले से टीम खान का एक तवील बयान उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया। पोस्ट में एंड्रयू टेट से मुतालिक लिखा कि मेरे भाई एंड्रयू एक मुखलिस इंसान हैं और इस्लाम से मुतासिर हैं। टैम ने एंड्रयू की नमाज पढ़ने की वीडियो शेयर करने से मुतालिक लिखा कि इसे मुस्बित तासुर के लिए शेयर किया गया था। इसके कलमा शहादत से मुतालिक हमने फैसला किया कि इसे किसी पॉडकास्ट पर शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह इस अमल को लोगों की जानिब से जाली या फिर ज़बरदस्ती तसव्वुर किया जाएगा। साबिक किक बॉक्सर अमरीकी रियासत शिकागो में पैदा हुए और इब्तदाई तलीम लोटन में हासिल की। अब एंड्रयू टेट को एक कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, यानी ये कभी भी कुछ भी कर देते हैं और मीडिया में ये इन रहना चाहते हैं, यानी कि अटेंशन हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर जाते हैं। और इन पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये जानकर न्यूज़ में आने के लिए इस्लाम कबूल करने की बातें कर रहे हैं। असल हकीकत अब क्या है ये भी सबके सामने आ ही जाएगी जब ये अपना नाम तब्दील करके एक मुस्लिम नाम रखेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया है। अगर तो उन्होंने इस्लाम कबूल वाकई में ही कर लिया है तो इनको अब अपना नाम भी फौरी तौर पर चेंज कर लेना चाहिए और कोई इस्लामी नाम रखना चाहिए।